हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्याम देवानी कीर्ति गोयल। टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ स्मॉल एंड वेरी इंटरेस्टिंग पोएम द एंट एंड द क्रिकेट। इट इज रिटन बाय एशो। एशो वाज फ्रॉम ग्रीस एंड ही वाज अ फेमस एंड फैबुलस एंड राइटर। फैबुलस इज द वन हु राइट फेबल। Do you know what is fable? Fable एक छोटी लोक कथा होती है जहाँ पर जानवरों को as a character लिया जाता है। ये character actually में human beings के emotion, behavior और characters को दर्शाते हैं। Now, let us start the poem. A young silly cricket accustomed to sing. Silly का मतलब होता है मूर्ख और accustomed का मतलब होता है आदत। एक मूर्ख छोटे झिंगूर था, उसे गाना गाने की आदत थी। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ समर एंड स्प्रिंग, वो पूरे गर्मी के मौसम में जब धूप खिली होती है, फूल पत्ते चारों तरफ खिले होते हैं, खाने का सामान मिलता है, तब वो गाना गाता था, उसे गाना गाने की आदत थी। बिगैन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड एट होम हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर हैज केम। लेकिन उसने शिकायत करनी शुरू कर दी जब उसने पाया कि उसके कबर्ड में खाने पीने का सामान खत्म हो गया है और विंटर आ गई है, ठंड आ गई है। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, क्रम्ब का मतलब होता है स्मॉल पीस ऑफ फूड, खाने का छोटा सा टुकड़ा। उसे खाने का कोई भी छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिल रहा था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, यानी कि पूरे के पूरे ग्राउंड पर बर्फ ढकी हुई थी, गिरी हुई थी, और जिससे कोई भी खाने का सामान नहीं दिख रहा था। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, वो जो झिंगूर था उसे कोई भी फ्लावर नहीं दिख रहा था और ना ही कोई पत्ता दिख रहा था। देखो वो कैसे खाना ढूंढ रहा। ओह What will become? Say the cricket of me. अब झिंगूर ने बोला, Oh, मेरा क्या होगा? At last, by starvation and famine, made bold. Starvation का मतलब होता है भूखमरी, famine का मतलब होता है अकाल, bold का मतलब होता है निडर। भूखमरी अकाल से वो अब निडर हो गया था। All dripping with wet and all trembling with cold. Dripping का मतलब गीला होना, trembling का मतलब कांपना। अब वो वर्षा से पूरा भीग गया था, पूरा गीला हो गया था और ठंड से वो कांप रहा था। एंड ही सेट ऑफ टू अ मिजरली एंट टू सी इफ इट कुड कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। अब वो मिजरली एंट के पास गया। मिजरली एंट, मिजरली का मतलब होता है कंजूस, और वो यह देखना चाहता था क्या चीटी उसे जिंदा रहने के लिए उसकी सहायता करेगी। देखो वो कैसे कांप रहा है। Him a shelter from rain, a mouthful of grain. Shelter का मतलब होता है आश्रय, mouthful का मतलब होता है पेट भर भोजन। अब वो यह जानना चाहता था क्या चींटी उसे वर्षा से बचने के लिए आश्रय देगी और पेट भर भोजन देगी। He wished only to borrow and he will repay it tomorrow. Borrow का मतलब होता है उधार लेना। रीपे का मतलब होता है वापस अदा कर देना। He wished only to borrow. वह उसे केवल उधार, अनाज उधार में लेना चाहता था और जो वह उसे कल लौटा देगा। If not, he must die of starvation and sorrow. यदि चींटी उसे मना कर देगी तो झिंगूर भूख से और कष्ट से मर जाएगा। Say the ant to the cricket, I am your servant and friend. चींटी ने झिंगूर से बोला, मैं तुम्हारी सेवक और तुम्हारी दोस्त हूँ। But we ant never borrow and we never lend. अब उसने बोला कि चींटी जो होती है, हम चींटियाँ ना कभी उधार लेती हैं, ना कभी उधार देती हैं। But tell me dear sir, did you lay nothing by? ले का मतलब होता है सेव करना, बचा के रखना। When the weather was warm, said the cricket, not I. अब जो चींटी है वो बोल रही है झिंगूर को, लेकिन मुझे यह बताओ प्यारे झिंगूर, क्या तुमने गर्मी के मौसम में कुछ नहीं बचा कर रखा? झिंगूर ने बोला, नहीं।
माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट इन अ वेरी हैप्पी वे. मेरा दिल इतना प्रसन्न था कि मैं दिन रात गाता रहता था. मुझे सारी प्रकृति प्रसन्न दिखाई देती थी. यू सैंग सर यू से गो देन सेट द एंट एंड डांस द विंटर अवे. अब चीटी ने कहा, श्रीमान आपने गर्मियों को गाकर बिता दिया, तो जाओ अब सर्दियों को नाच कर बिता दो. Thus ending hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. ऐसा कहकर चीटी ने दरवाजा बंद कर दिया. इस प्रकार बेचारा छोटा झिंगूर चीटी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया. Folk call this a fable. I will warrant it true. Some cricket have four legs and some have two. लोग इसे लोक कथा कहते हैं, मैं इसे सच्ची बात मानता हूँ. संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कहानी की तरह झिंगूर के जैसे व्यवहार करते हैं. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड.